शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता का पद छोड़ने की इच्छा जताकर सियासी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। अजित पवार ने महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता का पद छोड़ने की वजह भी बताई है। पवार ने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि विपक्ष के नेता के तौर पर जिस तरह का मेरा व्यवहार होना चाहिए वैसा मैं नहीं करता, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलता। अजित पवार ने पार्टी नेटवर्क से अपील की थी कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और पार्टी संगठन में कोई भूमिका सौंपी जाए। इस पर उनकी बहन और पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं चाहती हूं कि अजित दादा की हर इच्छा पूरी हो, दादा को संगठन में मौका देना है या नहीं ये संगठनात्मक निर्णय है। मुझे बहुत खुशी है कि दादा संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, इससे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार ने 10 जून को अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी महासचिव प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इसके बाद अजित पवार की नाराजगी की खबरें आईं, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया था। शरद पवार ने कहा कि अजित पवार पहले से ही विपक्ष के नेता के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।